दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों, अगर आपको भी मिलते हैं ये नौ संकेत तो समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप वास्तव में सबसे अलग हैं और इन संकेतों के माध्यम से भगवान आपको क्या महसूस कराना चाहते हैं, तो चलिए इसकी समस्त जानकारी आज हम आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको ये संकेत ज़रूर मिलते होंगे लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन यहां समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी ये संकेत दिखाई देते हैं तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो देखिए, आपको बता दें कि ज़्यादातर आपने ऐसा सुना ही होगा कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, यानी जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा, जिसके नसीब में जितना होगा उसे केवल उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पहले मिल जाए तो देखिए, ऐसा नहीं होता। जब किस्मत में लिखा होता है वो उसी वक्त मिलकर रहता है जिस वक्त के लिए वो लिख दिया जाता है। इसलिए समय की हर व्यक्ति के जीवन में जो भूमिका होती है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होती है और कभी कभी तो इंसान के जीवन में समय अच्छा भी आता है तो कभी बुरा भी आता है। लेकिन कहा जाता है कि अच्छा वक्त जीवन में ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ऐसे ही बुरा वक्त भी नहीं रहता। इसलिए हमें हर पल में खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी आना है और अच्छा समय भी आना है। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर कभी बुरा समय ना आया हो, चाहे किसी भी तरह से आया हो, किसी भी रूप में आया हो। तो ज़िंदगी तो निकालनी ही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस ज़िंदगी को हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर लें। तो दोस्तों, हम आगे जो बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए वो बात होने वाली है। समझने वाली बात है कि अगर आपको ये नौ संकेत मिलते हैं तो यकीन मानिए कि आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आप में कुछ ना कुछ नई बात है जिसकी वजह से भगवान हमेशा आपके साथ हैं। तो क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, तो क्या इससे आपको अपने अंदर एक सकारात्मकता महसूस होती है या एक अलग ही खुशी का अंदाज़ा होता है? और जब आप उसी सकारात्मकता के साथ अपना चेहरा आईने में देखने जाते हैं तो उस चेहरे में आपको एक चमक दिखाई देती है, यानी इस तरह की कुछ बातें अगर आपको महसूस हुई हैं तो दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि उस दिन भगवान आपको कुछ तोहफा देने वाले हैं। जिस दिन ये संकेत आपको दिखाई दे तो तब आप पूरे दिन सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और यदि अगर कुछ अच्छा नहीं भी होगा तब भी आपकी जो सोच होगी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, यानी आपका जो भगवान पे जो आपका विश्वास होगा, तो यही विश्वास आपका यकीन में भी बदल जाएगा। तो जब हम किसी एक चीज़ पर विश्वास रख कर चलते हैं तो वो हमें हर हाल में मिलती है। इसी तरह से अगर आप भगवान पर विश्वास रख कर कुछ सोचेंगे तो भगवान अवश्य आपको देंगे, आपकी ज़रूर सुनेंगे। और इसके अलावा देखिए, कभी कभी परिवार में हमें बेवजह पैसे मिल जाते हैं, यानी किसी दिन कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है जब भाग्य से आपको अचानक घर वालों से पैसे मिल जाते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि परिवार वाले अगर आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं तो समझो भगवान आप पर मेहरबान हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपको किसी न किसी काम में अब भगवान की कृपा से सफलता मिलने वाली है और ये शगुन है जो आपके माता पिता ने पहले ही आपके हाथों में पकड़ा दिया है। तो दोस्तों, आपका जितना भी बुरा समय था वो अब दूर होने वाला है। इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि होने वाली है, संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इसलिए अगर कभी आपको इस तरह से पैसे मिलते हैं तो यूं ही समझ लीजिए कि अब आपकी जैसे लॉटरी लग गई है और आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी, आपका व्यापार तेज़ी से चलेगा, आपकी नौकरी
में तरक्की होगी। और देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपको अचानक पैसा मिल गए तो आप उसको ऐसे ही खर्च कर दें। आपको इस पैसे को खर्च करके नहीं, बल्कि उसे महत्व को समझना होगा, उसके महत्व को, और आप इसके कारण को जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये संकेत केवल आपको भगवान की ओर से ही आया है। यदि आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं और आपके रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या कोई पानी से भरा हुआ बर्तन आपको दिखाई दे, या दूध से भरा हुआ कोई बर्तन दिखाई दे, तो आपको बता दें कि ये वास्तव में शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि अब आपका कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध होने वाला है, या जिस काम के लिए आप निकले हैं उसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है। इसके अलावा ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि पशु पक्षी भी हमें कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। ये बताते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। यानी अगर इसी तरह से आपके घर में आसपास कोई बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या आपके घर पर बंदर आम खाकर गुठली वहीं फेंक जाता है, तो देखिए ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये बेहद शुभ संकेत होता है। इसके सहारे हमें पता चलता है कि अब हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो इसलिए यदि आपको भी ऐसे संकेत नज़र आएँ तो उन पर एक बार गौर ज़रूर करें, उन पर यकीन करें, एक बार गौर ज़रूर करें, उन पर यकीन करने की कोशिश करें। ये कोई मामूली संकेत नहीं होते, हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन बातों को माने या ना माने, लेकिन हमारा काम आपको बताना है और समझाना भी है। तो देखिए, अक्सर इंसान बहुत सी चीज़ों को अशुभ भी मानने लगता है, लेकिन वास्तव में जब ऐसे संकेत मिलते हैं तो उनके उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अलग होते हैं, जो बेहद लाभकारी होते हैं। इसलिए इन बातों को आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपके घर में किसी को छींक आ जाती है तो कहा जाता है कि उसके सामने से कोई बाहर निकलकर नहीं जा सकता, ये संकेत अशुभ होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सुबह उठकर नाश्ता करने के दौरान आपको 3 छींक लगातार आ जाती हैं, तो समझ लें कि आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कुछ तो ऐसा होगा जो जीवन में 4 चांद लगा देगा। या तो धन की प्राप्ति होगी, या आपका जीवन सफल होने की तरफ चलेगा। और सपने में अगर आपको ये दिख जाता है कि आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें आपको हरे भरे प्राकृतिक नज़ारे दिख रहे हैं, तो देखिए आप समझ लें कि ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। ये आपको इशारा कर रहा है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, अब आपकी किस्मत बदलने वाली है, भगवान आपके लिए कुछ अच्छा होने के योग बना रहे हैं, आप इसको भी अनदेखा ना करें। इसके अलावा देखिए, यदि घर में पूजा करने के दौरान या आरती करने के दौरान कोई फूल या पत्ता आपके ऊपर आकर गिरता है या आपके सामने गिरता है, तो समझ लें कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं, और ये बहुत बड़ा संकेत होता है। इससे आपके काम बनने लगेंगे और भगवान आपसे बहुत खुश रहेंगे, और ये बहुत बड़ा संकेत है। भगवान सीधा आपको आशीर्वाद दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ आपको बीच रास्ते में सफ़ेद नारियल या सफ़ेद गाय दिख जाए, तो समझ लीजिए कि जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं वो नौकरी आपकी पक्की है। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। ये सभी संकेत आपको सतर्क रहने के लिए दिखाई देते हैं, और ये हर किसी को नज़र नहीं आते, ये केवल उसी को दिखाते हैं, उसी को दिखते हैं जो ज़्यादा भाग्यशाली होता है, जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान स्पेशल होता है या कोई इंसान मनहूस होता है? तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये केवल आपकी सोच ऐसी होती है जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर बना देती है। परंतु अगर कोई इंसान सोचे कि भगवान ने अगर मुझे बनाया है तो कुछ तो खूबी मेरे अंदर डाली होगी, तो वास्तव में औरों से अलग होगी। तो अगर आप देखेंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सबकी सोच समान नहीं होती, सब अपने अलग अलग टैलेंट की वजह से मशहूर हैं, इसी तरह हमारे अंदर भी एक खूबी होती है, एक खासियत होती है जो हमारी पहचान बनाती है, हमारी पहचान बनती है। लेकिन बहुत से ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं जो वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, हमेशा ख्वाबों की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। वो अपनी असली खूबी को नहीं पहचान पाते, बल्कि उन कामों को करते रहते हैं जिसमें उनको सिर्फ पैसे की आवश्यकता होती है।
भले ही उस काम में उनका इंटरेस्ट ना हो या हो, लेकिन वो इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि ये काम केवल आपको कुछ दिन तक ही पैसे देंगे, कुछ दिन की ही खुशी देंगे, और जब आपको ये चीज़ बोझ लगने लगेगी तो आपको लगेगा कि ये पैसा भी किसी काम का नहीं है। मुझे उस जगह ही काम करना चाहिए था जहाँ मेरा इंटरेस्ट था। जो कहने का मतलब ये है, कोई भी इंसान साधारण या असाधारण नहीं होता, उसे केवल उसके आसपास के लोग ऐसा बना देते हैं, उसकी नकारात्मक सोच बना देती है। इसलिए तो कहा जाता है कि अपने या दूसरों के प्रति हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो इंसान किसी का अच्छा सोचता है तो वही भगवान का सच्चा भक्त होता है, भगवान हमेशा ही उस पर मेहरबान रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।